नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विदिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फ्लैट खरीदार हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, रेरा कानून के अंतर्गत उनको क्या अधिकार दिए गए हैं और रेरा कानून क्या होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई फ्लैट खरीदता है तो वह रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016, यह कानून उन फ्लैट खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करता है जिसमें कि यह कहा गया है कि कोई भी बिल्डर यदि किसी फ्लैट खरीदार के अधिकार को शोषित करता है या फिर उसे परेशान करता है तो वह रेरा कानून के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम रेरा कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के उस नए डिसीजन को भी जानेंगे जिसमें कि बिल्डरों ने जो आपत्ति लगाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों के विपक्ष में फैसला दिया और फ्लैट खरीदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देते हुए उनको नए अधिकार भी प्रदान किए हैं। तो क्या कुछ है वो नए अधिकार, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विदिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, रेरा कानून, रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में यह कानून बना था और इस कानून को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि जो मकान खरीदने वाले हैं, फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना। पहले क्या होता था, 2016 के पहले जो भी बिल्डर होते थे वह अपने कस्टमरों को फ्लैट या फिर मकान बेच देते थे, लेकिन बाद में उसमें किसी न किसी प्रकार से कमी होने लगती थी, उनके सर्विसेज में कमी होने लगती थी, पजेशन मिलने में देरी होने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, वो परेशान हो जाते थे और वो बिल्डरों के ऊपर केस करने के लिए सिविल कोर्ट्स में जाते थे। सिविल कोर्ट्स में उनको बहुत सारी डेट्स मिलती थी जिससे कि वहाँ पे सुनवाई होने में और न्याय मिलने में काफ़ी देरी होती थी। तो भारत सरकार ने 2016 में रेरा नाम से एक कानून बनाया जो कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से वह जाना गया। लेकिन इस कानून में भी बहुत सारे पेंच थे जिसमें कि कोई भी कस्टमर कंज्यूमर फोरम में बिल्डर के खिलाफ नहीं जा सकता था, जो कि इस कानून के सेक्शन 79 के अंतर्गत दिए गए अधिकार थे। इसमें यह था कि किस कोई भी कस्टमर बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकता था। लेकिन हालिया के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक कस्टमर के फेवर में फैसला सुनाते हुए यह अधिकार दिया कि रेरा कानून के सेक्शन 79 के अंतर्गत जो भी अधिकार सीमित किए गए हैं कस्टमर्स के, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया और नया आदेश पारित किया कि अब कोई भी फ्लैट खरीदार यदि वह बिल्डर के किए गए कार्यों से या दी गई सुविधाओं से वह असंतुष्ट है तो वह कंज्यूमर फोरम में जा सकता है और वह रेरा कानून उस कस्टमर को ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रेरा कानून के द्वारा दिए गए सेक्शन 79 में अधिकारों को सीमित कर दिया और जो कस्टमर हैं उनको नए अधिकार दिए गए। अब कोई भी कस्टमर यदि किसी बिल्डर के दिए गए सर्विसों से यदि नाखुश है, असंतुष्ट है, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में जा करके उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन शिकायत दर्ज करवा सकता है, साथ ही साथ अपने अधिकारों के लिए कंपनसेशन भी पा सकता है। तो इस प्रकार से रेरा कानून में दिए गए प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया और कस्टमर को बहुत अधिकार और बहुत रिलीफ भी प्रदान किया है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी आपको रेरा कानून से संबंधित और कस्टमर्स के अधिकारों से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है कस्टमर्स के फेवर में। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल विदिटेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।